धर्मा लाइफ पर मैं हूँ आपके साथ चेतना। और बुध ग्रह जो है वो गोचर कर चुका है मेष राशि में 31 मार्च को, यानी कि मर्करी ट्रांजिट जो है उसके कई सारे असर हमको देखने को मिलने वाले हैं। मेष यानी कि एरीज राशि जो है वो मंगल की राशि है और इसमें बुध अपनी उच्च राशि में जाएंगे, तो ऐसे में सबसे पहली चीज जो ये लाता है वो है बहुत सारी एनर्जी, क्योंकि बुध है ही ऐसा ग्रह। ऐसे में इसका असर क्या होगा खास आपकी राशि पर, आइए इसके बारे में बात करते हैं इस खास बुध गोचर राशि फल में। एरीज यानी कि मेष राशि, आपको अपने खर्चे पर थोड़ा सा कंट्रोल जो है वो करने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ा लग्जरीज की तरफ आपका मन खिंच सकता है। करियर के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस मामले में थोड़ा सा अपनी ओर से लोगों को राय देना कम कर दें, क्योंकि ये आपको उल्टा पड़ सकता है। अपने और अपने पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत रहिएगा। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आपके लिए समय अच्छा है, क्योंकि आप अपने मन मुताबिक कुछ चीजों को कह पाएंगे और वो चीजें आपको मिलेंगी भी। बस ये याद रखना है आपको कि मन की बात को बोलना जरूरी है, मगर प्यार से। किसी नए काम या बिजनेस के सिलसिले में किया गया कोई भी निवेश जो है वो आपको अच्छा फल देगा। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, आपका तो स्वामी ग्रह ही है ये, तो ऐसे में आपके लिए काफी अच्छी चीजें जो है वो आ रहे हैं। जीवन में अगर थोड़ा रुकावट सी महसूस हो रही थी या स्टैग्नेशन महसूस हो रहा था, तो आपके लिए एक नई शुरुआत जो है वो भी आएगी। आपके लिए अच्छा समय है नेटवर्किंग करने का और कनेक्शंस जो है वो बनाने का। इस चीज पर थोड़ा ध्यान दें और आगे बढ़ने के रास्ते जो है वो खोजें। कैंसर यानी कि कर्क राशि, आप थोड़ा सा अपनी भावनाओं में बह सकते हैं, तो आपको ये छोटा सा सजेशन है कि कोई भी निर्णय लेने के लिए मन नहीं बुद्धि का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि ज्यादा नेगेटिव ना हो, और अगर कोई आपको इस समय दुखी कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है तो उनसे दूरी बना लें। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी आएंगी, तो उन पर ध्यान दें। लियो यानी कि सिंह राशि, आपके ऊपर बुध का असर बुद्धि के दरवाजे खोलेगा। आपका वाक चातुर्य यानी कि बोली कई लोगों को प्रभावित करेगी और आप अपने लिए नई ऊंचाइयों के रास्ते जो है वो खोल पाएंगे। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा इसमें। अपनी एनर्जी को आप बेहतर इस्तेमाल कर पुराने कई मुश्किल गोल्स को भी पा सकते हैं। वर्गो यानी कि कन्या राशि, ये समय आपके लिए थोड़ा सा नाजुक रह सकता है। हालांकि बुध आपके भी स्वामी ग्रह हैं, मगर आपके लिए ये थोड़ा सा सेहत को लेकर मुश्किल समय रहेगा। काम में थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस जो है वो रह सकता है। ऐसे में आपसे यही विनती है कि अपने खान पान और आराम पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लीब्रा यानी कि तुला राशि, आपके लिए ये बुध गोचर नई ऊर्जा ला रहा है, जिससे आपके कई पुराने काम अब आगे बढ़ेंगे। बस कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, जैसे कि बढ़ चढ़कर कोई भी वादा जो है वो ना करें और बिना सोचे समझे कोई भी वाद विवाद ना करें। आपको कई सारे क्रिएटिव आइडियाज जो है वो भी आएंगे, तो उनको भी एक जगह नोट करके चलिएगा। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आपके लिए अपने लिए अब निडर होकर अपने लक्ष्यों की तरफ काम करने का समय है। कुछ पुराने निवेश जो है आपके लिए अच्छा लाभ भी ला सकते हैं। कई लोगों के लिए ये समय नया रिश्ता और प्यार भी लाएगा। घर परिवार में काफी प्रेम और सौहार्द जो है वो बना रहेगा और आपको बहुत पॉजिटिविटी जो है वो मिलेगी। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, आपके लिए कुछ ऐसी चीजें और पहलू सामने आएंगे जिनसे आपको अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स और गोल्स जो है और भी पास लगेंगे। अब अपने मन में किसी भी प्लान को अगर आगे बढ़ाने की इच्छा आप रखते हैं, तो उस पर अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। कुछ पुराना अगर छूट गया है या रुका हुआ है, तो उस पर भी ध्यान देकर उसे ठीक करिए। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, ये समय आपके अपने लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अपने काम और जरूरत के हिसाब से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। खासकर अगर आप मीडिया या कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं या उससे जुड़ा कुछ करते हैं, तो ये समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। अपनी ओर से कोई नया स्किल या फिर टैलेंट जो है वो भी आप सीखने की कोशिश कर सकते हैं। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, आपके लिए ये समय बैलेंस का रहेगा। आप किसी भी तरीके के नेगेटिव इमोशंस जो हैं उससे निकलकर सटीक तरीके से निर्णय ले पाएंगे, जो आपके आने वाले समय में आपकी काफी मदद करेगा। ऊंचाई के कई मुकाम जो है उन्हें आप हासिल करेंगे, मगर इस कारण अहम को हावी मत होने दीजिएगा खुद पर। पाइसिस यानी कि मीन राशि, आपके लिए चीजों को कंट्रोल करने का समय नहीं, बल्कि चीजों को उनके हिसाब से चलने देने का समय है। ये गो विद द फ्लो वाला टाइम। आप थोड़ा सा अपने आप को मेंटली एक्सपैंड करेंगे, तो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज अपने आप आ जाएंगी। ऐसे में थोड़ा सा अपने क्रिएटिविटी पर ध्यान दें और परेशानियों को अलग तरीके से देखें, तभी वो सॉल्व होंगी।